हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंटॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी यूजफुल टिप्स के बारे में जिससे आप क्लिनिक चलेगा नहीं बल्कि दौड़ने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टिप्स के बारे में। अगर आपने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपके एरिया में विदिन 3 किलोमीटर आपके एरिया में जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या जो भी स्कूल्स हैं, यहाँ पे आपको फ्री डेंटल कैंप लगाना है। इससे आपका क्या फायदा होगा, आपको यहाँ से बल्क में पेशेंट मिलेंगे, आपका पर्सनल फायदा ही होता है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आप करते हैं, इनमें से जो भी ट्रीटमेंट वाले पेशेंट हैं, आपको अपने क्लिनिक पे इनवाइट करना है। अब आप कहेंगे वो पेशेंट आएंगे कैसे, तो आपको उन्हें बताना है कि सर हमारा कंसल्टेशन चार्ज ये 100 रुपीज है, अगर आप इस कैंप के थ्रू हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो आपका कंसल्टेशन चार्ज आधा हो जाएगा यानी कि 50 रुपीज। इसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट कराएंगे आपको उसमें अलग से 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पेशेंट को इस तरीके से कन्विंस करेंगे तो वो 100% आपके क्लिनिक पे ट्रीटमेंट कराने आएगा। सबसे पहले मेरी टिप्स आपसे यही है कि आपको इन जगह पे अपना कैंप लगाना है और इस तरीके से पेशेंट को अपने क्लिनिक तक बुलाना है। अब बात करते हैं दूसरी टिप्स के बारे में। जब पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है तो आपको उसे और कैसे मोटिवेट करना है और कैसे कन्विंस करना है। सबसे पहले आपको 50 रुपीज से कंसल्टेशन चार्ज देना है, साथ ही साथ आपको उसे ये बताना है कि सर ये जो आपसे 50 रुपीज कंसल्टेशन चार्जेस लिए जाएंगे ये आपके ट्रीटमेंट में एडजस्ट होंगे। तो इस तरीके से कस्टमर को सरप्राइज मिलेगा, आप उसे बता सकते हैं कि सर आपका जो 50 रुपीज हम ले रहे हैं आपके इसमें ट्रीटमेंट में एडजस्ट हो गए। तो पेशेंट की ये मेंटेलिटी होती है कि 50 रुपए बचाने के चक्कर 500 रुपए खर्च कर देगा, इसलिए वो आपसे 100% ट्रीटमेंट कराएगा ही कराएगा। तो आपका क्या फायदा होगा, अगर वो ट्रीटमेंट कराता है तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर नहीं भी कराता है तो एटलीस्ट आपका 50 रुपीज कंसल्टेशन चार्ज देके जाएगा। जो आप पेशेंट पे टाइम खर्च कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, अपने पेपर वर्क लगा रहे हैं, अपना लाइट पानी लगा रहे हैं, तो कम से कम इस तरीके से अगर आपके दिन में 50-50 पेशेंट भी उस कैंप से आ गए तो आपके क्लिनिक का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो आपको कंसल्टेशन कभी भी अपने क्लिनिक में फ्री नहीं रखना है, जो भी कंसल्टेशन लें आप उसे ट्रीटमेंट में एडजस्ट करें। तो मेरी सेकेंड टिप्स आपके लिए ये हुई। अब बात करते हैं पेशेंट को और ज्यादा मोटिवेट करने की। अब आपको क्या करना है, आपके यहाँ कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी होंगे जो 25,000 रुपए से या 50,000 रुपए से ज्यादा के होते होंगे, जस्ट लाइक इम्प्लांट है, ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए पेशेंट को आपको कैसे कन्विंस करना है, आपको पेशेंट को बताना है कि सर हमारे यहाँ इम्प्लांट भी होता है। सपोज कीजिए वो RCT कराने आया आपके यहाँ, आप उससे कहिए सर RCT जगह आप इम्प्लांट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पास कुछ एजुकेशन वीडियो रखनी होगी, आपको उससे इम्प्लांट भी कन्विंस करना है, फिर उसके खर्चे के बारे में बताना है। अब खर्चा कम से कम 20,000 रुपए आता है, तो आप पेशेंट को बता सकते हैं कि सर आपको ये जो ट्रीटमेंट कराना है आपको इसकी पेमेंट एक साथ नहीं करनी है, आप इसे इजली EMI में दे सकते हैं। अगर आप खुद EMI बियर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आज के टाइम पे अलग अलग कंपनीज EMI ऑप्शन दे रही हैं, तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने पास प्लान आउट करना है। तो आप पेशेंट को EMI प्लान समझा सकते हैं और हायर ट्रीटमेंट की तरफ कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पेशेंट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप अब बात करते हैं थर्ड टिप्स के बारे में। अब आपको पेशेंट को फैमिली कार्ड के बारे में समझाना है। अब ये फैमिली कार्ड क्या होता है, पेशेंट जो आपके क्लिनिक पे आया है, अब आप उससे ये कहिए सर हमारे एक फैमिली कार्ड आता है जिसकी कॉस्ट है 500 रुपीज, इस 500 की वैल्यू आपको पेशेंट को समझानी है। आप उसे समझा सकते हैं कि सर इस अगर आपके 500 रुपीज के फैमिली कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या है कि इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इस कार्ड के थ्रू आप अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड कोई भी 10 पेशेंट को साल भर के अंदर यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए भेज सकते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराएंगे उस पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा।
फोर्थ बेनिफिट क्या है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट के बाद आपको जो फर्स्ट टाइम मेडिसिन है वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगी। तो आप इस तरीके से पेशेंट को उसकी बर्थ समझा सकते हैं। अब आपका बेनिफिट क्या हुआ कि एक साथ आपके पास 500 रुपीज आ गए, प्लस साल भर के अंदर कम से कम 10 पेशेंट आपको नए मिलेंगे। अगर इस तरीके से महीने में आपने 25 से 30 फैमिली कार्ड बना लिए, तो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर आपके पास इतने पेशेंट हो जाएंगे कि आप पे ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम तक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को फैमिली कार्ड की तरफ शिफ्ट करना है विद बेनिफिट। जब तक आप पेशेंट को उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे वो उसमें कन्विंस नहीं होगा। तो आपको इस टिप्स का 100% हर पेशेंट पे इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं फोर्थ टिप की। आपने पेशेंट देखा, ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद अभी तक आप लोग क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन, टूथपेस्ट, जेल, माउथ वॉश के लिए बाहर फेंकते हैं। बट अब आपको ये नहीं करना है। अब आपको मेडिसिन से माउथ जो भी मटेरियल है, लाइक आपका टूथपेस्ट है, ब्रश है, जेल है, जो भी है, आपको अपने क्लिनिक के अंदर रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल वाले मोबाइल के साथ आपको एसेसरीज देते हैं, लाइक आपने ब्लूटूथ ले लिया, मेमोरी कार्ड ले लिया, कोई इंश्योरेंस कार्ड हो गया। इसी तरीके से आपको अपने क्लिनिक के अंदर ये सारी चीजें रखनी है, तो कम से कम कुछ रेवेन्यू आपका वहां से भी जनरेट होगा। तो मेरा फोर्थ सजेशन आपको ये है कि आपको ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को सारी चीज अपने आप लेने के लिए कन्विंस करना है। अब बात करते हैं फिफ्थ टिप्स की। पांचवी टिप्स मेरी ये है कि कई बार साल में ऐसा टाइम भी आता है कि पूरे टाइम पे पेशेंट आपके यहाँ नहीं आता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो भी एग्जिस्टिंग पेशेंट जिन्हें अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़ रखा है, उस टाइम पे उनको कॉल या मैसेज करके उन्हें आप स्पेशल डिस्काउंट पे अपने ट्रीटमेंट करने के लिए इनवाइट कीजिए। सपोज किसी की RCT पेंडिंग है, किसी को कैप लगवानी है, तो आप उस समय पेशेंट को कॉल या मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर इस समय हमारा ऑफर चल रहा है, इस टाइम अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको एडिशनल 5-10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से अपने खाली टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और उन पेशेंट को ट्रीटमेंट करा के अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि पूरे साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है सालों का जिसमें बहुत सारी शादियां होती हैं। इस टाइम पे आप स्पेशल ब्राइड एंड ग्रूम्स के लिए स्पेशल पैकेज बनाइए कि आप स्केलिंग करा सकते हैं, जो RCT करा सकते हैं, आप डिम्पल के लिए कुछ आजकल ट्रीटमेंट होते हैं, स्माइली ट्रीटमेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप ब्राइड एंड ग्रूम्स के लिए अलग अलग पैकेज बना के आप बना सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट टिप्स है, अगर आपके कुछ ओल्ड पेशेंट हैं जिनका आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो खाली टाइम में आप उन पेशेंट को कॉल करके कटसी कॉल कीजिए, उन्हें फ्री चेकअप प्रोवाइड कीजिए ताकि उन्हें लगे कि आप उनके लिए स्पेशल केयर प्रोवाइड कराते हैं। तो उस टाइम पे आप उन्हें बुला के उनके जो भी छोटे मोटे काम है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। यही स्पेशल आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे। तो ये बहुत यूजफुल टिप्स है। आप अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट को अपना कैरियर बनाइए ताकि ये आपको नए नए पेशेंट भेजे और आपका रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो दोस्तों ये थी मेरी 8 यूजफुल टिप्स। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि आप अभी तक कौन कौन सी टिप्स यूज कर रहे थे, या फिर आप ये बता सकते हैं कि इसमें आपको कौन सी यूजफुल टिप्स लगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।